रात का करीब करीब ये देख खुलेगा और वो दिख रहा है नेपाल का वेलकम गेट। क्या बड़े साहब? यस सर। देखो यादव जी हमारे बड़ी स्पीड से प्याज काट लेते हैं, दोनों टिकिया वालों की तरह प्याज काट दी है। ये हम लोग गोरखपुर पहुंचने के पहले ये गोल्डन ढाबा पर रुके हुए हैं, यहाँ पर हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे उसके बाद और आगे निकलेंगे। संतोष तो कह रहा था हमारी तो भूख के कारण जान जा रही है, अब देखते हैं संतोष कितना खींचता है क्योंकि मैं संतोष देते नहीं है खाने वाले, बाकी तो सब ढेर हो गए हैं। क्यों हम लोग जिंदा हैं और पहुंच चुके हैं जौनपुर के हृदय शंकर शुक्ला के जौनपुर एरिया में। ये रात का करीब करीब ये 1:45 बज रहा है और हम लोग यहाँ ड्राइव कर रहे हैं पोखरण जाने के लिए। पोखरा का नाम पोखरा पोखरा, वहाँ से फिर जाएंगे ये काठमांडू नेपाल। नहीं साहब ऐसा फुल हो गया है, फुल हो गया आप लाइट फुल हो गया है। हाँ ये हम नेपाल बॉर्डर पहुँच चुके हैं। ये जो बैरियर लगा हुआ है ये बैरियर 6 बजे सुबह खुलेगा, करीब करीब अभी 4:30 बजा हुआ तो 1.5 घंटे बाद ये बैरियर खुलेगा और वो दिख रहा है नेपाल का वेलकम गेट सामने। ये देखिए सब गाड़ियाँ लगी हुई हैं लाइन से, ये अपनी लगी हुई है। ये पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे इसके बाद हम जाएंगे आगे। ये हम नेपाल बॉर्डर से आगे निकल आए हैं, ये यहाँ पर निखिलेश डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहा है। इसके पहले ये बस है जो दिल्ली से आई है भारत नेपाल बस सेवा। कहे यादव जी दोस्तों नेपाल की बॉर्डर में एंट्री कर चुके हैं हम। दूसरे शब्दों में हम गए तो हम विदेशी धरती पर पहुंच गए हैं, तो यहाँ से हम आगे की तरफ आज नेपाल की राजधानी काठमांडू की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 40 है और जो है पुलिस के आसपास को धीरे भी निकल देख। अरे जहाँ तुम धीरे भी निकल उनकी से आगे से निकल जाएगी, पूरे बैग खुलवा है वो, सबको खोलो। हाँ वो अभी नहीं रोकी अपनी गाड़ी, तब ना होता तो रोक रही थी दो बार, तो फिर अपन को फिर वापस आने पड़ेगा। सही से रास्ता ये हम लोग नेपाल में फुटबॉल ट्रैफिक चौक देखिए, यहाँ पे बंगाल यहाँ पे नेपाली गाड़ियाँ खूब सारी हैं और यूपी की गाड़ियाँ खूब दिखी हमें, पर सबसे बड़ी बात MP 35 एक ही गाड़ी दिखी, MP की तो एक ही गाड़ी दिख रही है। अब रचित भाई हमारे रेडी हो चुके हैं, अब यहाँ से हम गाड़ी चलाएंगे तो पहाड़ी रोड है और 157 किलोमीटर की रेंज में गाड़ी चलाना है। अब देखते हैं कितना समय लगता है पहुँचने में। हमारे विपिन भाई गए हैं कुछ खाने की जुगाड़ करने, यहाँ सामने उनको दिख गया है मार्ट, वहाँ से कुछ चावल दाल वगैरह वगैरह दलिया लेके आ रहे हैं, तो हम लोग ऊपर जाकर कुछ बनाएंगे और आज अपने ही टेंट में रुकने का पूरा प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि हमारे विपिन भाई टेंट लगा के और क्या खाना और कैसे बना रहे हैं। क्या चाइना बनवा रहा हूँ जो रास्ता रोड है ही नहीं है परेशानी थी टंकी मंकी और एक्सल वैक्सल चले जा। ये आ गया प्रभास शहर, 90 किलोमीटर अच्छा है।
यार यहाँ पे भी जैसा आप देख सकते हैं इतनी छोटी सिटी में इतना बड़ा चौराहा बनाया हुआ है, पुलिस पोलिंग बूथ है। तो हम लोग यहाँ आ चुके हैं बरतुंड के रास्ते है, यहाँ बहुत ज़ोर से भूख लगी थी हमारे पांडे जी को और हमारे यादव जी को और ये हमारे ड्राइवर सर, इनको खाने के लिए अब व्यवस्थाएं कर रहे हैं। या हमारे ड्राइवर सर के को पायलट आ चुके हैं सामने बाल्टी लेके, ये पानी श्री राम। चलो अयोध्या। यादव जी हमारे बड़ी स्पीड से प्याज काट लेते हैं, दोनों टिकिया वालों की तरह प्याज काट दी है। ये गैस चूल्हा बना के हमारे पांडे जी ने रेडी कर दिया है और ये सब्जियां भी यहाँ धुल गई है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, मिर्ची भी डली है। पांडे थोड़ा सा मिर्ची कम डालिएगा, बच्चे हैं हम, थोड़ा मिर्ची कम डालिए। इस टाइप के ट्रिप कर चुके हैं आपने, ले लद्दाख भी ऐसी क्रूजिंग एंड कैंपिंग करके किया था, तो ले लद्दाख स्पाइसी ना हो पूरा ट्रेवल। इन्होंने कभी होटल में स्टे नहीं किया, आपने ऐसे ही टेंट और ऐसे आप देख सकते हैं। मैं बताऊं ये सारी चीजें कैंपेन में हैं जिनमें खाना चूल्हा भी आने चाहिए, आर्टिफिशियल ये सारी चीजें हैं, पीछे बर्तन है। जैसा कि हम अभी आपको बता रहे थे कि हम बरतुंड के रास्ते पोखरा जाने के लिए रास्ते में आ गए हैं, तो रास्ते में हमारे साथी लोगों को सभी लोगों को भूख लग रही थी तो खाने का इंतजाम करना था, तो हमारे पांडे जी अपने साथ गैस चूल्हा लेके आए थे। तो लगभग अभी हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि प्याज व्याज कट रही है, क्या क्या डालना है इन्ग्रीडियंट्स, वो हमने आपको बता दिए थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें चावल तैयार है, ये शिमला मिर्च रेडी है और ये कटा हुआ बारीक टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, जीरा और ये सनफ्लावर का ऑयल, नमक वगैरह सारी चीजें मतलब यहाँ रेडी कर ली है। पांडे जी जितना मतलब खाने में इंटरेस्टेड रहते हैं उससे डबल बनाने में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो बनाने के बाद जो खाने की तस्वीरें जो वीडियो होंगे उनको भी हम साझा करते हैं और हम भी मतलब थोड़ा सा फ्रेश हो गए, हाथ मुंह धो के बिल्कुल रेडी हैं। और 9 बजे जैसा कि हम बता दें कि कल हम काशी विश्वनाथ पहुँच गए, तो अरे यार पांडे जी यहाँ बीच में तेल की डिमांड करने लगे, तेल चाहिए पांडे जी को ज्यादा करीब। हम वहाँ से फ्री होने के बाद 9 बजे हमने काशी विश्वनाथ से गोरखपुर के लिए निकले थे, जैसा कि हमारा प्लान था कि हम पहले गोरखपुर पहुंचेंगे और वहां स्टे करेंगे, लेकिन जिस तरीके से हमारे पायलट को पायलटों ने इस तरीके से ड्राइव की, जब करीब नाइट में 3 बजे गोरखपुर क्रॉस हो गए थे और 5 बजे के दरमियान सोमाली नेपाल इंडो नेपाल बॉर्डर पर पहुंच चुके थे। वहां पे पहुंचने के बाद हमें 8 बजे तक वेट किया गया, जो एंट्री होती है वो 8 बजे सुबह 8 बजे के बाद होती है। वहाँ पे हमने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, पास लिया, पास निकलने के बाद करीब हम अभी 70-80 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद एक हल्का सा रिफ्रेशमेंट लेने के लिए हम यहाँ रुके हैं। हमारे सभी साथी अपने स्तर पे सभी काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं।